दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी आज आप लोगों को मैं जीता जगता प्रूफ के साथ कहानी के साथ ये बैंक की मॉडल का फुल सर्विस ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, स्किप ना करते हुए देखेंगे तो भी इसका फंडा आपको समझ में आएगा। अगर आपको सही में प्रोजेक्टर का काम सीखना है, ये प्रोजेक्टर चैनल में लगे रहना है, स्किप ना करते हुए देखना है, तभी आप प्रोजेक्टर का काम सीख पाएंगे। अगर आप स्किप करते करते थोड़ा बहुत देखेंगे, आइडिया कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आज तक वर्ल्ड में ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है ये प्रोजेक्टर का सीक्रेट उबाल के नहीं दिया। मैं क्यों दे रहा हूँ, बहुत वीडियो में ऑलरेडी बोला हूँ, क्योंकि मेरा जीवन एक ही मौका है। मैं जो नॉलेज लिया हूँ, अगर मेरा नॉलेज से करोड़ों करोड़ों आदमी का काम नहीं आएगा तो ये जीवन किस काम का है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं तीन चार कहानी भी बोलने वाला हूँ। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गया, आप प्रोजेक्टर का काम भी सीखेंगे, ये अपना जीवन का भी कहानी सीख जाएंगे और ये पैसे कमाने का भी सीख जाएंगे और रेस्पेक्ट जो इज्जत सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो भी कमाना सीख जाएंगे। कंप्लीट वीडियो देखना है तो स्किप ना करते देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं जोर हाथ करके बोल रहा हूँ, आप वीडियो यहीं से निकल जाइए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आपका लाइफ आप चार चांद लगा सकते हैं, मौका आपके हाथ में है। सिर्फ मैं ये रास्ता क्लियर करके दूंगा, एकदम आमने सामने बैठकर मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। ये चैनल में लगे रहेंगे तो आपका जीवन में चार चांद लगेगा, ऑनेस्टी मिलेगा, टाइम मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पैसा भी बहुत आएगा। सिर्फ सबर का फल मीठा होता है। और आपको थिंकिंग बदलना है, सोच बदले जिंदगी, ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है। चलिए एक कहानी का माध्यम से ये क्लियर कर देता हूँ। एक चोर था और एक साधु था। दोनों सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाता था। जैसे हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कविता है ना, आर्डी टू बेड आर्डी टू राइस मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन सिर्फ 2 साल स्कूल गया था, लेकिन आज वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। उनका तस्वीर, इतना लंबा लंबा बाल वाला, वो डॉलर का जो पिक्चर है, डॉलर का जो रुपया होता है अमेरिका का, उनमें उनका पिक्चर है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ये कहानी का मकसद है, हिस्ट्री भी आपको समझाऊंगा। एक चोर और एक साधु, दोनों सूरज उठने से पहले उठ जाता था और नदी में जाता था नहाने के लिए। सुबह सुबह नहाना भी अच्छा है, तो वो दोनों एक ही साथ नहीं जाता था, वो नदी में जाने के बाद दोनों का दोनों फेस होता था। लेकिन उनमें से एक साधु था एक चोर था। तो भी वो साधु समझता था ये भी मेरा जैसा एक साधु है, तभी मेरा जैसा सुबह सुबह नदी में नहाने आया है। और वो चोर समझता था ये भी लगता है बेटा मेरा जैसा चोर है, ये साला रात को चोरी करता है और सुबह सुबह नहाकर घर जाके फिर सोएगा मेरा जैसा, मैं भी नहाकर अभी सोऊंगा, तो ये भी बंदा हो सकता है घर जाके सोएगा। तो देखिए जिसका जैसा सोच है ना, उसका अंदर ही अंदर ऐसा ही विचार आ जाता है, ठीक है, सोच बदले जिंदगी। अभी देखिए और एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, एक बार सोचिए इसका कहानी के साथ, तभी आप काम सीखेंगे, याद रहेगा। आप बोलेंगे इसके साथ किसके रिश्ता किया, क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, आप साथ में रहिए। अभी देखिए वो साधु जब कीर्तन में धर्म जगह पे, वही साधु उसका मन में आता है, अरे मेरा घर में आज इतना कुछ पक रहा है, देखकर गया कीर्तन में, बहुत कुछ पक रहा है, बहुत अच्छा खासा। उसका कीर्तन में मन नहीं है, कब जाकर घर जाकर वो खाएगा अच्छा वाला खाना, खाने में ध्यान है। वो कीर्तन में बैठा हुआ है आदमी, लेकिन मन उसका वो घर में खाने पीने का है, भोग विलास पे है, तो कीर्तन थोड़ी काम आएगा। इसका क्यों बता रहा हूँ आपको, क्लियर करूंगा प्रोजेक्टर के साथ क्या रिश्ता है, अभी साथ दीजिए समझ में आएगा। और वो जो चोर डाकू और डिसऑनेस्टी काम करने वाला चोर, वो भी वही कीर्तन में गया है। उसको वह कीर्तन में जाने के बाद उसको लग रहा है, अरे भगवान, हे ईश्वर, मैं जो भी अपना पेट के लिए दुष्कर्म करता हूँ, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, आदमी का बुरा करता हूँ, मुझे उसके लिए माफ करना, मैं ये अपना मजबूरी के लिए कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। उसको घर में किया है नहीं, वो मन ही नहीं है, उसको भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा है जो वो सही में उसका भला करेगा। तो देखिए सच्ची में दो कहानी क्यों बताया, अभी सोचिए। ये जो मानव जीवन है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है। ये बॉडी के साथ आप जो करेंगे वो
वही आपको मिलेगा, बर्तन में वही मिलेगा, क्योंकि ये वन टाइम चांसेस है। इसके साथ कोई भी अगर बोलेगा ना मैं ये एक बार गलती कर लिया, मुझे सुधारने का मौका दो, ईश्वर को बोलिए, अल्लाह को बोलिए, भगवान को बोलिए, गॉड को बोलिए, कोई सुनने वाला है नहीं। क्योंकि आज रथ यात्रा का दिन है, मैं आज घर बैठकर एकदम एयर टाइट रूम है मेरा, ये जो गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल है, ये रिकॉर्डिंग का रूम है, चारों तरफ कितना भी शोर मचाए माइक से बॉक्स से अंदर आवाज आएगा नहीं। और मैं शिद्दत से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आदमी लोगों को जगाने में बैठा हूँ, क्योंकि मैं कितना भी कीर्तन करूँ, भगवान का नाम लूँ, अगर काम में दुष्कर्म करता हूँ, मेरा परिणाम मतलब बहुत बर्बादी खत्म ये होने वाला है। आप भी मान लीजिए, ट्रूथफुल स्टेटमेंट, ये सही कहावत है, जैसा कर्म ऐसा धर्म। तो कर्म के ऊपर सारा सब कुछ निर्भर है। आप बॉडी में घुसाएंगे जहर, पिज्जा बर्गर थम्सअप कोका कोला लेस कुरकुरे मैगी पास्ता ये सारा बकवास चीज घुसाएंगे, ज्यादा ऑयली युक्त खाना पानी ना पीना, बॉडी के साथ गलत करेंगे ना। कितना भी आप भगवान को पूजे, कितना भी कुछ कीजिए, भगवान सुनने वाला है नहीं, क्योंकि ये बॉडी ईश्वर का ही आशीर्वाद है। बोला है भाई, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, जो बोला है प्रैक्टिकल दिखाया है उसको नोबेल पुरस्कार भी दिलाया है, क्योंकि जो सही बोला था उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, सही बात था, तो भी तो फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन आज आदमी वही मिट्टी में जहर मिलाकर खा रहे है, दूसरों को भी खिला रहा है। भाई अच्छा चीज है, खा जाओ, खुद भी मर रहा है, दूसरों को भी मारने का प्लानिंग कर रहा है, तो ध्वंस अनिवार्य है, डिस्ट्रॉय जल्दी होने वाला है। लेकिन अगर आदमी जग जाएगा, ये जो दुनिया है, मैं इसे पहले के वीडियो में बताया था, ये एक आनंद का रंगमंच है, ये दुनिया एक आनंद का रंगमंच है। वो आनंद तभी आप ले पाएंगे जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, और डिसऑनेस्टी किया है आज भी एक प्रूफ दिखाऊंगा। और मैं ये बात क्यों बताया, ये प्रोजेक्टर ऐसा ही एक चीज है, नाजुक चीज है, इसके साथ जैसे जैसे बर्ताव करेंगे ये भी ऐसा ही आपको पिक्चर दिखाएगा, ये भी इसका लॉन्ग लास्टिंग ऐसा ही होगा। तो ये मानव जीवन के साथ इसका पूरा मैचिंग है। तभी मैं समझ गया, आदमी को सिखाना है तो सही से सिखाना है, ऑनेस्टी बोलना है तो ऑनेस्टी के साथ ही बोलना है। जिसका जरूरत है वो देखेगा, जो जिसका जरूरत नहीं है मेरा वीडियो नहीं देखेगा, बैड कमेंट्स कर देगा, सर मुद्दा तो बताइए, इसका कहानी बोल दूं, वो सीखकर लाखों करोड़ों कमाएगा और उसका सारा पैसा डॉक्टर और नर्सिंग होम को देकर खुद का जिंदगी टाटा बाई बाई कर देगा, यही है उनका प्लान। लेकिन मेरा प्लान है, मैं सही में हजारों करोड़ों आदमी को सक्सेसफुल बनाकर मैं भी सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, क्योंकि मौका तो एक ही बार आया हुआ है, समझ गए ना दोस्तों। लेकिन आदमी जग के सो रहा है, मेरा बातों में भरोसा नहीं कर रहा है। एक बार ताल मिला के देख तो लीजिए, कोई कोई यूट्यूबर बोल रहा है आप रात में सादा रोटी खाएंगे या लाल रोटी खाएंगे, अंगूर खाएंगे एप्पल खाएंगे, कौन सा अच्छा है, सादा अंडा खाएंगे पोल्ट्री वाला अंडा खाएंगे या लोकल अंडा खाएंगे, कौन सा अच्छा है, उसके ऊपर वीडियो दे रहा है। सही में ये जीवन कैसे टिकेगा उसको वीडियो कोई नहीं दे रहा है, पैसा लूटने के लिए चक्कर में और आदमी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में सब लगा हुए है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं जितना चकता प्रूफ और एक देने वाला हूँ, मेरा मम्मी का बीमारी 90% भाग गया एक महीने के अंदर, ये कलयुग का अमृत का माध्यम से, एक चम्मच हर रोज सुबह खाली पेट उष्ण गर्म पानी से, ठीक है। एक कलयुग का अमृत बहादुरी नहीं है, आतंक नहीं है, खुद का फॉर्मुलेशन है, खुद हेल्दी हूँ, करोड़ों करोड़ों आदमी को हेल्दी रखने का प्लानिंग कर रहा हूँ। जो सुनेगा उन्हीं को तो रिजल्ट आएगा, ये देखने से काम नहीं चलेगा, खुद का फॉर्मूला कलयुग का अमृत, वीडियो इंस्क्रीन में है, देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मौका एक ही बार आया हुआ है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए मेरा सात भगवानी, साथ में मैं जोर देता हूँ, एक बार देख लीजिए मैं क्यों ये आपको लोगों को मैं जगाने का कोशिश करूँ, ये देख लीजिए। उसके बाद इसका मैं सीक्रेट, ये प्रोजेक्टर का जो आज आया हुआ है, इसका कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा, क्यों मैं बता रहा हूँ ये वीडियो में, आदमी को कैसे जगाना है, ये जगाने के लिए मैं इतना तत्पर बैठा हूँ। चलिए अभी थोड़ा सात भगवानी देख लीजिए, गॉड गिफ्ट के चौथे मंजिल के ऊपर, आज का रिकॉर्डिंग बासिया नहीं है, आज का रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, साथ में रहिए। मैंने ये सात भगवानी ऑर्गेनिक कल्टिवेशन क्यों दिखाया, आज का रिकॉर्डिंग क्यों दिखाया,
आप ये रास्ता आजमाएंगे, फायदा आपका है नहीं आप आजमाएंगे, नुकसान अभी क्या है, आपका मेहनत का पैसा डूबने वाला है, सोच के देखिए। और ये प्रोजेक्टर का काम अगर सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आपका बॉडी का काम सीखना पड़ेगा, तब तो इसका काम आप ऑनेस्टी के साथ करेंगे, डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे। और डिसऑनेस्टी किया है, एक बार देखिए ये प्रोजेक्टर मैंने कहाँ से लाया, रूट का एक थोड़ा सा गार्डन दिखा रहा हूँ आधा मिनट का, ये देख लीजिए टी गार्डन बीच में कितना मिला था, मैंने 3 घंटा जर्नी करके ये प्रोजेक्टर लाया हूँ सर्विस करने के लिए, इसको बनाकर सर्विस देने के लिए। ये भाई साहब से परिचय हुआ है इंडिया मार्ट का माध्यम से, ये इतना बार ठक चुका है, ठकते ठकते लास्ट में ये इंडिया मार्ट में सर्चिंग किया था, मेरा एक प्रोजेक्टर है मैं इसका सर्विस रिलेटेड जगह ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो तुरंत मेरा 5 मिनट के अंदर मेरे पास भी वो सारा आ गया, मैं देखा सिलीगुड़ी का पर्सन है, ठीक है, कहीं नहीं सुनिए एकदम लाइव बता रहा हूँ, ये उनके साथ बातचीत हुआ है, सर मैं प्रोजेक्टर मॉल से बोल रहा हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका मन में डाउट है, ऑनलाइन तो बहुत फ्रॉड है ना, तो मैं बोला सर आपके मन में कोई डाउट है? हाँ डाउट तो है, लेकिन आपका बारे में थोड़ा मुझे, मैं आप गूगल में मारिए प्रोजेक्टर मॉल, बहुत इतिहास है, हिस्टोरी है, आ जाएगा, विश्वास हो जाएगा, डोंट वरी। बाद में बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ, फिर भी वो टाइम नहीं मिला, देखा नहीं है। बाद में 2 दिन बाद मैं फिर फोन किया, सर आपका प्रोजेक्टर आप ले आएंगे या मैं लेकर आऊंगा, कौन सा बोलिए, आपका सर्विस देने के लिए मैं तत्पर हूँ। बोला मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मेरा ऑफिस मर जाएगा, तो फिर आप ही आइए या तो आदमी भेज कर ले जाइए। तो मेरा सिलीगुड़ी में दूसरा काम भी था, तो मैं फिर वो काम 10 मिनट का काम था, मैं तुरंत जिस दिन जाऊंगा उनको बताया, सर मैं आज आने वाला हूँ, आप मुझे प्रोजेक्टर दे देंगे, मैं घर लाकर बनाकर आपको पहुंचा दूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काम इतना अभी तो उठा नहीं है, फ्री हूँ और मेरा ऑनलाइन बहुत सारा काम है और बाहर बहुत भी थोड़ा कस्टमर है, तो सिलीगुड़ी में भी ऑलरेडी मेरा कस्टमर है, तो 10 मिनट का काम है। मैं सोचा अगर ये कस्टमर मेरा बन जाएगा तो इनसे अगर सही पूरी सेवा मिलेगा उनको, वो मुझे बहुत कस्टमर देगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो बाद में मैं उनको फोन किया सुबह, सर आज मैं आने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, उनको मन में फिर भी डाउट, अगर मैं डिसऑनेस्टी आदमी बन गया तो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बार ठक चुके हैं। अभी मैं वो परिष्कार मुझे साफ सुथरा बोला, सर मुझे तो अभी तक तो आपके बारे में क्लियर हुआ नहीं है, आपको थोड़ा वेरीफाई करना है। मैं बोला मुझे वेरीफाई करना है, आपका व्हाट्सएप है इसी नंबर पे? हाँ, मैं 3-4 वीडियो आपको शेयरिंग कर रहा हूँ, वीडियो देखिए, उसके बाद मुझे हाँ या ना में आपने जवाब देना, मुझे मैं और कॉल बैक आपको नहीं करूँगा, मैं फोन रख रहा हूँ। कब ठीक है आप व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपका कार्ड देखकर उसके बाद आपको कॉल लगाता हूँ। मैं प्रोजेक्टर इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डाल दिया, फिर शॉपिंग प्रोजेक्टर फ्रॉम प्रोजेक्टर मॉल फॉर बेस्ट सर्विस, ये वीडियो भी इनको भेज दिया। और एप्सन का जो मैंने आंध्र प्रदेश वाला वीडियो बनाया था भेजने के टाइम आने के बाद, वो वीडियो भी इनको दे दिया। और एक वीडियो दिया हूँ जो एक फ्रॉड किया हुआ वीडियो था आदमी का, जो ये रिसेंट मैंने दिया था फ्रॉड किया हुआ वीडियो, वो वीडियो 4 वीडियो मैंने उनको दिया। देने के बाद मुझे 20 से 25 मिनट के अंदर फिर फोन आया, मुझे बहुत बार कम से कम 10 बार फोन कर सका था, मैं तो बिजी था, दूसरा कस्टमर के साथ मैंने बिजी था, तो उतना बार मुझे कम से कम 10 बार कॉल कर चुका था वो बंदा ने। तो बाद में मैंने कॉल बैक किया, सर आपने फोन किया था बोलिए हाँ या ना, तो बोला आपको और कुछ पूछना नहीं है, आप तुरंत आ जाइए मेरे पास, प्रोजेक्टर ले जाइए, और कुछ मुझे पूछना नहीं है आपसे। तो वीडियो देखने के बाद उसको ये विश्वास हो गया, सही में ये बंदा सही काम करेगा। अभी चलिए, मैं रास्ते में जाते जाते कितना आनंद फील किया, और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मैं सोचा था प्लानिंग कर किया था, ये इसका कहानी मैं बोलूंगा यूट्यूब में, तो आदमी लोग देखेगा मेरा वीडियो और आनंद भी करेगा। रास्ते का थोड़ा सीनरी, टी गार्डन बहुत सारा आता है, तो मैं आज तो रिकॉर्डिंग नहीं किया था, आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड करके लाया हूँ, आधा मिनट का वीडियो देख लीजिए। दोस्तों कैसा लगा मेरा रिकॉर्डिंग, कैसा लगा, बहुत आनंद आया ना, तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा। अभी ये शुरू करूंगा मैं इसका खोलना, पूरा फुल ट्रेनिंग, पूरा सीक्रेट के साथ इसका पिक्चर नया बना दूंगा, एकदम नया बनेगा, ठीक है। ये बेनक्यू का प्रोजेक्टर है, और ये बेनक्यू का मेरे पास कितना स्टॉक है एक बार देख लीजिए, बैकग्राउंड में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितना स्टॉक है, सेम मॉडल का, यही मॉडल का बहुत सारा स्टॉक में है, और इसका A to Z स्पेयर मेरे पास रेडी स्टॉक है, मैं इसको पिक्चर नया बना के दूंगा।
तभी मैं बोलता हूँ सही में प्रोजेक्टर खरीदना है तो प्रोजेक्टर मॉल से खरीदना है, सर्विस लेना है प्रोजेक्टर मॉल से लेना है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, जो इतना हिम्मत से इतना उम्मीद से मैं प्रोजेक्टर का शिद्दत से काम करता हूँ, मेरा जैसा सर्विस इंडिया में कोई नहीं कर सकता है। चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, बहादुरी नहीं है आत्मका नहीं है। अभी इसका खोलने से पहले, मैं शुरू करने से पहले एक दूसरा कहानी बोलना चाहूंगा दोस्तों, बहुत मजेदार कहानी है। कहानी समझ आ गया, प्रोजेक्टर का आप गोल के खा जाएंगे, डोंट वरी। एक राजा था और एक मंत्री था, ठीक है। तभी राजा कुछ भी कभी भी करता है, मंत्री हाथों हाथ बोलता है बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हुआ। तो राजा कुछ भी करता है और मंत्री जब भी बोलता है बहुत बढ़िया हुआ, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो राजा को कभी कभार अच्छा लगता है, कभी कभार बुरा भी लगता है। लेकिन एक दिन इतना बुरा लगा राजा को, जिस दिन वो तरवाल का धार देते देते हाथ से गिर कर राजा का अपना पैर का मेन गुटली है, अंगुली का जो ये अंगुली है, अंगुली कट गया, एकदम दो टुकड़ा हो गया। फिर भी मंत्री बोला अरे भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया, सेना को आदेश दिया इसको मंत्री को बंदी बना के कारागार में डालो, कुछ भी होता है तो मेरा पैर का अंगुली कट गया इसको अच्छा लग रहा है, इसको जेल में डालो, तुरंत डालो। मंत्री को जेल में लगा दिया। एक दो महीना राजा को लगा मुझे थोड़ा शिकार पे जाना है। वो राजा लोग पहले जाता था, बीच बीच में ही शिकार पे जाता था। तभी राजा जब भी शिकार पे गया 5-10 सैन्यों को लेकर, तो शिकार में जाते जाते घूमते घूमते शिकार तो नहीं मिला। वो चारों तरफ से जो हुम्बा हूँ जंगली आदमी है, वो हुम्बा हूँ करके उसको राजा को घेर लिया। और वो पास जो सैन्य था वो तो पीछे से ही भाग गया, उसको पकड़ नहीं सका। तो हुम्बा हूँ करके वो जंगली लोग राजा को पकड़ लिया। ये हुम्बा हूँ जो जंगली आदमी का है, इन लोगों को एक भगवान है उनके पास ले गया उसको बलि देने के लिए। तो राजा को पूरा नहा के धोकर, उसको पूरा निर्वस्त्र करके, पूरा जामा कपड़ खोल के कपड़ा खोल के उसको बलि देगा। जब भी पूरा उसको नांगा किया है, तो उसका जो पुजारी है हुम्बा हूँ जंगली लोगों का, वो पुजारी ने देखा है भाई इसका तो पैर का उंगली नहीं है, एक उंगली नहीं है, काटा हुआ है भाई, ये पूर्ण बॉडी नहीं है, ये अपूर्ण बॉडी है, इसको हटाओ, ये नहीं चलेगा, तुम्हारा पुण्य नहीं होगा, इसको बलि दोगे तो पुण्य नहीं होगा। हुम्बा हूँ जंगली लोगों का पंडित मसाई बोल दिया। वो क्या करेगा भाई, जैसे पंडित जी बोला है उसको तो बना, राजा को छोड़ दिया, भाई चलो तुम निकलो, तुम्हारा बलि से हमारा काम नहीं होने वाला, भागो। राजा धीरे धीरे पैदल अपना राजमहल में चला आया। तभी आते आते उसको पता चला साला सही में मंत्री झूठ नहीं बोला था, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता, तो मंत्री सही में अच्छा बोलता है, ठीक है। तो तुरंत गया, वो सैन्यों को आदेश दिया आई तुरंत मंत्री को बाहर निकालो। मंत्री को बाहर निकाला तो बोला सही में तुमने जो बताया था जो सही में, आज अगर मेरा ये उंगली नहीं काटता अपना तरवाल गिर कर तो मेरा गर्दन काट जाता, ठीक है ना। तभी राजा का मन में क्वेश्चन है, ठीक है मेरा उंगली काट गया मैं तो बच गया, मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, ऊपर वाले जो किया है अच्छा ही किया है, लेकिन मंत्री मशाय अभी आप बोलिए आपके साथ क्यों अच्छा हुआ है, आपको जब जेल में डाला था आप भी बोले थे ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है, आपके साथ क्या अच्छा घटना घटा, मैं तो आपको जेल में डाल दिया था, आप तो 6 महीना जेल में काट कर निकाल रहे, तो आपके साथ अच्छा कैसे हुआ मुझे समझाइए। तभी मंत्री मशाई बोला राजा जी अगर मैं आपका परम भक्त आपका चेला हूँ, अगर मुझे जेल में नहीं डालते मैं तो आपका साथ ही रहता था, मैं तो आपको छोड़ के नहीं आता आ सकता था, तो वो हुम्बा हूँ जंगली लोग आपको तो लेकर छोड़ दिया, लेकिन मैं तो मेरा तो पूर्ण बॉडी है, मुझे तो गर्दन पूरा दिया होता, मुझे बलि देकर उसका पुजारी कंप्लीट कर लेता, मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ ना, मेरा गर्दन बच गया आपका भी गर्दन बच गया, तो इससे बढ़िया और किस है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ऊपर वाला को धन्यवाद बोलिए दोस्तों, हमारा मानव जीवन के लिए ये जीवन एक ही बार मिला है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जिसके साथ एक बार वो नहीं ठगा है, जो आदमी जीवन में नहीं ठगा वो जीवन में कभी जीतेगा भी नहीं। आज ये बंदा ठगा तभी तो मेरा पता मिला, और मैं उनके पास तुरंत चला गया, प्रोजेक्टर ले आया, देते वक्त मुझे उनका जो स्टाफ है उनको भी मन में डाउट है, अगर लेकर चला गया तो इनको पकड़ूंगा कैसे, उनका पेट में मुझे लिख के ले आना पड़ा,
मैं आपका प्रोजेक्टर ये मॉडल डेट प्रोजेक्टर लेकर जा रहा हूँ, बना के वापस दूंगा। मैं सिग्नेचर करके ले आया, पेपर्स देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन में ऑनेस्टी है। कुछ भी करे कस्टमर, कुछ भी बोले, मेरा काम ऑनेस्टी के साथ करना है। अभी लाइव प्रूफ दिखाते हैं इनके साथ क्या फ्रॉड किया हुआ है, अभी लाइव खोल के दिखाऊंगा। ये बाल का ओरिजिनल लैम है, लेकिन इस मशीन में ओरिजिनल लैम नहीं है। जिसने दिया था, जहाँ पे दिया था ये रिपेयर करने के लिए, वहां से लैम हरण कर लिया, दूसरा लैम लगा दिया। प्रैक्टिकल देखिए लाइव, तभी मैं इतना कहानी आज सुनाकर मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका जीवन में भी ऐसा घटना घटा है तो मान के चलिए आपका जीवन पूर्ति होने वाला है, तभी तो आपके साथ ऐसा घटना घटता है। किसके साथ कुछ भी घटने से पहले कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो सफलता जो बनने वाला होता है उसको जीवन में बहुत बाधा विघ्न आता है, उसी का जीवन में सफलता आता है। आज तक जितना आदमी इस दुनिया में सफल बना है, स्मूथली किसी ने भी नहीं बना। सबका जीवन में अशांति आया हुआ था, अशांति होते 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 जो धीरज के साथ लगा हुआ था वही जीवन में सफल बना है। तो मेरा प्रोजेक्टर मॉल का यही मकसद है। मैं भी चाहता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट से शेयरिंग करके दुनिया को जागृत करके एक बीमार मुक्त समाज और धनी समाज, हेल्दी वेल्दी इज्जतदार पर्सन, हैप्पी पर्सन बनाना चाहता हूँ मेरा ये चैनल का माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों साथ में रहिए, अभी ये खोल के दिखाता हूँ प्रैक्टिकल घटना, ठीक है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आमने सामने। और दोस्तों विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर का काम सीखना है, जबरदस्त स्क्रू ड्राइवर कलेक्शन करना है। अगर आप नहीं कर पाते मुझे बताइएगा, मेरे पास ए टू जेड प्रोजेक्टर रिलेटेड ए टू जेड आइटम मिलेगा, ठीक है, प्रिंटिंग आइटम रिलेटेड ए टू जेड आइटम मिलेगा। बहादुरी नहीं है, बोल रहा हूँ एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। जो भी आपको इसके पार्ट के लिए चाहिए, ताकरा चीज चाहिए, एकदम पावरफुल चीज चाहिए, कोई भी उल्टा सीधा चीज से कोशिश मत कीजिए। अगर कुछ भी मन में डाउट होगा एनी टाइम मुझे फोन करना ना भूलिएगा, एनी टाइम। मेरा जीवन को मानव सेवा में लगा दिया, मेरा नॉलेज से आदमी को जगाकर एक सफलता का मौकम में सब मिलकर पहुंचना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। तो चलिए अभी लाइव प्रूफ देखिए, लैम इसका ओरिजिनल लैम मैंने निकाल लिया और इसके साथ किया किया करने वाला हूँ। प्रोजेक्टर डेड है ऑलरेडी, प्रोजेक्टर चालू नहीं है, लेकिन चालू हो जाएगा 100%, नया बना के दूंगा। इसीलिए बोलता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये प्रोजेक्टर का देखिए लाइट खोला ना, आमने सामने ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा ट्रेनिंग आपको कोई पे भी नहीं मिलेगा। अभी देखिए इसका जो यहाँ पे नाट है, ये भी अलग नाट है, ये यहाँ का नाट नहीं है, स्क्रू जो है तो स्क्रू को मैं नाट भी बोल देता हूँ। देखिए मेरा जो मदर लैंग्वेज है वो बंगाली है, लेकिन मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ नहीं आता है, फिर भी कोशिश का नाम जिंदगी है। इंग्लिश में भी वीडियो बनाता था कभी कभार, आज मुझे गलती हो रहा है, अगले कल तो सुधर जाएगा, परसों तो सुधरेगा, बोलते बोलते आदमी सुधर जाता है, तो आदमी गलती गलती करते करते सुधरता है। तो और क्या, मैं भी गलती करूंगा तो भी तो सुधर जाऊंगा। अगर मेरा गलती आपके कुछ पकड़ में आता है प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। दोस्तों अभी देखिए लैम आपके सामने मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों कितना बार डिसऑनेस्टी किया है, लाइव दिखा रहा हूँ, लैम पहले खोलता हूँ हाँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। आदमी का सफलता कैसे होगा, आदमी को ठगा कर दो चार दिन सफल बनेगा, लेकिन चार दिन के बाद वो सफल नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ का लॉक है ही नहीं, इसका ये लॉक को सारा तोड़ दिया, और इसका जो लैम है ये अलग लैम है। देखिए ये है फिलिप्स का लैम, ये एसी लैम है, ठीक है। ये लैम ये मॉडल का, ये बेनक्यू का MP515 ये मॉडल नंबर, ठीक है। इसका ओरिजिनल लैम होता है ऐसा, कितना डिफरेंस है देखिए दोस्तों। नॉलेज इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, मैं जो आपको लाइव दिखा रहा हूं प्रूफ, बिजनेस किसका डूबेगा किसका उठेगा बताइए, एकदम बढ़िया से गौर से देखकर बताइए। ये है ओरिजिनल लैम, इसका कनेक्शन पॉइंट देखिए लॉक के साथ, और इसमें
ये दुकानदार ने किया कर दिया इनके साथ, फ्रॉड कर दिया ना, तो क्या होगा, गंगा का पानी गंगा में ही बह जाता है। सफलता कैसे होगा, इतना बड़ा कुचबिहार से हजार गुना अपग्रेड है सिलीगुड़ी, ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, अभी दूसरा कोलकाता बन गया सिलीगुड़ी, इतना सुंदर जगह में इतना कितना धोखाधड़ी काम हो गया। देखिए तो कस्टमर बाध्यतामूलक इंडिया मार्ट में पता किया था, तो भी मेरा एड्रेस मिला है, आज भी मैंने सुबह फोन करके बताया हूँ, सर आपका प्रोजेक्ट सही में बनाना है, मैं बनाऊँ, पेमेंट के साथ झिझकना नहीं है, बोल के लूंगा मुझे इतना चाहिए, बोला आप बनाओ, आपके साथ हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। देखिए अभी फिर, लेकिन मैं इसी लैम्प को बनाकर ही चलाऊंगा, यही लैम्प से मैं इसको प्ले करूंगा ये प्रोजेक्टर, ठीक है। मैं इसका जो बीच का एम्पेल है, जो जलने वाला मेन एम्पेल है, उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। इतना टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर मॉल के पास है, मीन्स इसका जो ओरिजिनल लैम्प का मेन एम्पेल है, तो वो मैं इसमें सेट करके यही लैम्प से मैं चलाने वाला हूँ। ये देखिए, वहां से मैंने उनका स्टाफ से सिग्नेचर करके लाया हूँ, भाई लैम्प में सिग्नेचर कर दो, ये यही तुम्हारा लैम्प है, तो इसी से मैं ये मशीन चलाऊंगा और आपको ये प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं बताया हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, साथ में रहिए, ऑनेस्टी के साथ आप घर बैठे नॉलेज गैदर करके आप भी एक अच्छा जगह पे जा सकते हैं। मल्टी आइडिया दे रहा हूँ, मल्टी, आज का जमाने में कोई वन टाइप ऑफ नॉलेज लेकर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौका तो एक ही बार मिला है, मैं बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और समझदार आदमी के लिए इशारा ही का भी है। बहुत आदमी को अभी मेरा ये टॉपिक अच्छा लगने लगा है, दृढ़ विश्वास है आगामी आने वाला कम से कम 5 से 10 साल के अंदर मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना शिष्य बनेगा। शिष्य मतलब मेरा फेवरेट जो फिल्म स्टार का होता है ना, मेरा भी फैन बनने वाला है। ये विश्वास से मैं ऐसा टॉपिक छोड़ रहा हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, ठीक है ना। तो सोच बदले जिंदगी, जिसका सोच पॉजिटिव है काम सीख पाएगा, ठीक है ना। काम सीखने के लिए कुछ तो गवाना पड़ेगा। अभी सारा खोल लेता हूँ इसका नाक, साथ में रहिए, खोलते खोलते आप लोगों को मैं बहुत कुछ समझा दिया, अभी तुरंत काम करूंगा, आप लोगों को अवेयरनेस भी दिया और जगाने के लिए मेरा इतना प्लानिंग, देखिए ठीक है ना, स्पीड में काम होगा और आपका दिमाग में आपका ब्रेन को जितना जगाएंगे, जितना टेरा मेरा होगा आपका ब्रेन, उतना आपका मेमोरी बढ़ेगा। उम्र के साथ साथ मेमोरी खो जाता है, लेकिन आपका ब्रेन का प्रेशर जब बढ़ेगा और जब ऑर्गेनिक खाना खाएंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका ब्रेन का कमजोर भी नहीं होंगे। अभी लोग बोलता है उम्र के साथ साथ मेमोरी भी लॉस होता है, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, ये कलेजे का अमृत हर रोज खाएंगे आपका मेमोरी लॉस नहीं होगा, शरीर का कुछ भी लॉस नहीं होगा, यंग फिट एंड फाइन, ये झूलेगा नहीं, इसमें भाज नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा मरते दम तक, लेकिन मैनेज मॉडल, मरना पड़ेगा, अमर नहीं है कोई, बहादुरी नहीं करना, मैं बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, साथ में रहिए। अभी नीचे का नाट खोलना है, लैंप खोल लिया, खोल लेता हूँ, साथ में रहिए, पुश करके रखता हूँ। दोस्तों पीछे सिर्फ 5 नाट रहता है, 5 स्क्रू, वो स्क्रू खोल लिया, खोलने के बाद अभी इसको ढक्कन खोलने का टेक्निक देखिए, धीरे से प्रोजेक्टर में स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा और उठेगा भी इजीली, एकदम धीरे से, थोड़ा सा माइनस स्क्रूड्राइवर से देखिए, धीरे धीरे करके माइनस, धीरे से, हड़बड़ी नहीं करना दोस्तों, माइनस स्क्रूड्राइवर से धीरे 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 धीरे, ये पीछे 3 लॉक है, लॉक को पहले उठाना है और फिर इस साइड में भी लॉक है, इस साइड में भी लॉक है, धीरे से वो लॉक को छुटाना है, माइनस शुरू धीरे से, थोड़ा सा हल्का चाप देंगे तो क्रैश भी नहीं पड़ेगा, टूटेगा भी नहीं, धीरे से सावधानी से। इससे पहले भी मैंने इसका एक वीडियो दिया था, लेकिन इतना लंबा नहीं बनाया था, छोटा, ये देखिए निकल गया ना इजीली एकदम, ये अंदर देखिए, अभी यहाँ पे 1 नाट 2 इधर है, 2 इधर 1, ये सारा खोलेंगे और सारा साइड से ये निकल जाएगा, ये भी धीरे से निकल जाएगा, देखिए पहले ये
दोनों साइड वाला आपको निकल लेना है। ये देखिए चैनल टू चैनल निकल गया ना, निकल लिया। और एक डिसऑनेस्टी देखिए, यहाँ पे स्पीकर रहता है, स्पीकर है नहीं, यहाँ पे स्पीकर रहता है नहीं है, ये भी डिसऑनेस्टी है, ठीक है ना। अभी देखिए ये भी मैंने खोल लिया और लॉक को धीरे से खोल देना है, तभी ये भी निकल गया। अभी पीछे से ये देखिए कैसे निकला है, एकदम इजीली निकल जाएगा, लेकिन टेक्निक आपको आना पड़ेगा ना, टेक्निक जब तक नहीं आएगा प्रोजेक्टर का एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। ये देखिए धीरे से कैसे निकाला हूं, इसका रिमोट का सेंसर का कनेक्शन खोल दिया, पूरा फुल सर्विस करना है। पहले इसका डायग्नोस करने से पहले सबसे पहले एकदम पूरा इसका भर्ता बनाकर साफ करना जरूरी है, तब जाके इसका डायग्नोस करेंगे क्या क्या डिस्प्यूट होता है। और कैमरा के अंदर भी एकदम खोल कर देखना है कौन कौन सा पार्ट डैमेज है, सबको नया करना है तभी ये बनेगा। और सेंसर उन्सर जब एकदम पूरा चकाचक होगा तभी प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और लास्ट में मैं इसका लॉन्ग लास्टिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगा, साथ में रहिए, मजा आएगा। घर बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्टर का ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए इसका टाइटल देता हूँ, कोई कोई यूट्यूबर टाइटल कुछ अलग टॉपिक कुछ अलग, ऐसा नहीं है, मेरा टाइटल है लर्न प्रोजेक्टर फुल सर्विस ट्रेनिंग। तो फुल सर्विस ट्रेनिंग के अंदर अपना हेल्थ सर्विस ट्रेनिंग भी घुसा देता हूँ, थोड़ा आउट नॉलेज घुसा देता हूँ, जरूरत है तभी देता हूँ, नॉलेज इज मनी। और साथ में हेल्थ इज वेल्थ ये भूलने से नहीं चलेगा, ठीक है ना। अभी चलिए ये नाट खोल लेता हूँ लाइव, ये यहाँ पे मैंने नाट बोल दिया, अभी खोल लेता हूँ, साथ में रहिए। अभी देखिए ये खोल लिया, अभी आप लोगों को मैं दिखा दिखा के खोल रहा हूँ क्योंकि आप भी कर पाए इसीलिए मैं आपको दिखा कर रहा हूँ। पीछे से थोड़ा हटाएंगे इसको, पीछे से ही इसको धीरे से खोलना है, एकदम इजीली उठ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, उल्टा साइड से एक्चुअली देखना मुश्किल होता है, सबसे पहले ये जो वीडियो का जैक है, वीडियो का जैक है यहाँ से इसको हटाना है, हटाकर थोड़ा उठाएंगे तो इजीली उठ जाएगा, उठ गया ना। ये साफ करेंगे बाद में, हटा देता हूँ। ये देखिए मेन बोर्ड है इसका, सारा कनेक्शन खोल लेना है, आपको दिखा दिखा के खोलता हूँ। देखिए दोस्तों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी खोल लिया, ये भी धीरे से खोलना है, ओके है, ये भी खोलना है, ये कलर व्हील का कनेक्शन है सारा। और यहाँ पे रैम बोर्ड है, रैम बोर्ड के नीचे से ऐसे उंगली से धीरे से उठाना है, नहीं तो नहीं उठेगा, और दोनों हाथ से करना है लाइट। देखिए मैंने बता दिया ना, थोड़ा सा टाइट रहता है, ये देखिए धीरे से, ये देखिए खुल गया। और गलती से भी मतलब गिर ना जाए, गिर गया तो गया, ठीक है ना। और एक बात है, जब भी ये प्रोजेक्टर का जितना बोर्ड निकलेगा ये जब भी पकड़ेंगे, आपका बोर्ड ही अर्थिंग में नहीं होना चाहिए। और इसमें और एक पॉजिटिव बात है, डीएलपी सेट में आप पीला कलर का लाइट में भी खोल सकते हैं, इसमें जलने वाला कुछ है नहीं, लेकिन एलसीडी प्रोजेक्टर में जलने वाला आइटम वो जो तीन प्रिज्म होता है, एलसीडी प्रिज्म, वो प्रिज्म जल जाता है, आदमी लोग अभी भी जाग के सो रहा है। एप्सन कंपनी का नाम से फिदा, एप्सन कंपनी का चीज है भाई, दे दो, ले लिया। याद आया दोस्तों, और एक डिसऑनेस्टी बोलता हूँ बीच में, गोरखपुर वाला चार दिन पहले फोन आया था, एक यूपी से फोन किया था मुझे, गोरखपुर किसी दुकान से उन्होंने प्रोजेक्टर खरीदा, एप्सन का प्रोजेक्टर उसको पकड़ा दिया, EBX41, ईबी मतलब ई फॉर इंग्लैंड बी फॉर बॉम्बे X40X41, ये मॉडल नंबर एप्सन का। देखिए कंपनी मेरा शत्रु नहीं है, एप्सन कंपनी को मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट गलत है उसका, कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आज क्या आप एलसीडी मॉनिटर खरीदेंगे, एलसीडी मॉनिटर साइड से निगेटिव दिखता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एलसीडी मॉनिटर आज
किसी ने भी फ्री में देखा फिर भी नहीं लिखा, फिर एलसीडी कॉन्सेप्ट वाला प्रोजेक्टर क्यों खरीदेंगे? उसका प्रिज्म बहुत हल्का है, बहुत ठुनका चीज है, थोड़ा सा पीला काला लाइट में वो जल जाता है। बना सकते हैं लेकिन उसमें मेंटेनेंस ज्यादा है, तो उसमें हम क्यों जाएं? डीएलपी प्रोजेक्टर अभी तक सक्सेस है और एलईडी अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है, टेस्टिंग चल रहा है, सिर्फ टेस्टिंग। जब सक्सेस होगा मैं अवार्नेस दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एलसीडी कॉन्सेप्ट में मत जाइए। तो मार्केट में सिर्फ ब्रांड मत देखिए, ब्रांड के साथ आपका सपना पूरा नहीं होगा, जो ऑनेस्टी कंपनी है उसी के साथ रहेंगे तो आपका नसीब बदलेगा। अभी देखिए दोस्तों, डिसऑनेस्टी क्या किया है गोरखपुर वाला दुकानदार, वो भाई साहब को वो एप्सन प्रोजेक्टर का बिल बना दिया, बोला है ये प्रोजेक्टर का 2 साल वारंटी है, 45,000 लिया है पैसा। तो बाय द वे वो लेने के बाद मेरा वीडियो नजर में आया इन यूट्यूब में, वो देखकर मुझे तुरंत फोन लगाया, सर मेरा साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं? मैं बोला आपने प्रोजेक्टर लिया है, पक्का बिल लिया है? हाँ लिया है। तो प्रोजेक्टर का सीरियल नंबर मुझे भेजिए, मैं बोलता हूँ वो प्रोजेक्टर का वारंटी है या नहीं है, है? क्योंकि मैं वो प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर सुनते ही समझ गया ये एक्सपायरी डेट गया हुआ है। इसी लाइन में 22 साल गुजर रहा हूँ तो थोड़ा तो नॉलेज हुआ है। तो दोस्तों उसने मुझे व्हाट्सएप में भेजा है वो प्रोजेक्टर का सीरियल नंबर, तुरंत मैंने टुक टुक करके देख लिया, अरे उसका ऑलरेडी वारंटी खत्म है 2021 में 7 मंथ में, 2021 का 7 मंथ में उसका एक्सपायरी डेट खत्म। वो कितना भी रेन्यू करे कुछ करे उसका वारंटी नहीं बनेगा, डिसऑनेस्टी। देखिए दोस्तों एक बार बेच दिया उसके बाद थोड़ी ना वो उसको पकड़ में पाएगा, ये है प्रोजेक्टर मॉल का ऑनेस्टी। तो अभी मैं जगाने का कोशिश कर रहा हूँ दुनिया भर में, दोस्तों अभी भी जाग जाइए, प्रोजेक्टर का कोई भी नॉलेज चाहिए मुझसे लेने का जरूरत नहीं है, सही परामर्श तो ले सकते हैं फ्री में, पैसा नहीं लगेगा। हाँ इसका सीक्रेट आप पूरा सीखना चाहते हैं तो पेबुल चार्जेस है, तो क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या, पेट तो है अब सभी का, ठीक है ना, लेकिन डिसऑनेस्टी करके नहीं खाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक दूसरा हिस्टोरी भी सुना दिया, ऐसा बहुत हिस्टोरी अभी आएगा प्रोजेक्टर मॉल में आएगा, तो जो भी नॉलेज आएगा मैं बढ़ता रहूंगा, साथ में रहिएगा, मजेदार कहानी होने वाला है प्रोजेक्टर मॉल के साथ, ठीक है, और काम सीखते रहिए घर बैठे। तो चलिए अभी खोल लेता हूँ, ठीक है, मैं भी हैरान हो जाता हूँ आदमी कितना डिसऑनेस्टी करता है, कितना लेवल पे। देखिए आंखों के सामने अभी बात करते करते खोल लेता हूँ, देखिए प्रोजेक्टर का मॉडल कोई भी हो आपको एक ही मॉडल के ऊपर एक्सपर्ट होना है ऐसा नहीं है, इसका थ्योरी आपको पता होना जरूरी है, जब थ्योरी पता होगा तो आप कोई भी प्रोजेक्टर का पूरा सही सेवा दे सकते हैं। मैं कितना दिन चिंता रहूंगा, मैं कितना दिन सही परामर्श दूंगा, मैं चाह रहा हूं मेरा जैसा हजारों दुकानदार बन जाए जो कस्टमर को सही परामर्श देकर प्रोजेक्टर मॉल कॉन्सेप्ट को साकार करेगा, ठीक है ना, यही उद्देश्य लेकर मेरा ये सीक्रेट उबाल के देना है, दे रहा हूं और आगे दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूं पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करके रखिए, काम आएगा। सारा नाक खोल लेता हूं, जब सीखेंगे तभी तो आप टिकेंगे, नहीं सीखेंगे चड्डी और बनिया नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। हर व्यक्ति आदमी है लेकिन हर आदमी इज्जत के साथ ये कमा नहीं पाता, बाद में वो सारा धोखाधड़ी पैसा किसके पास जाता है, डॉक्टर। अब हठात बीमार, हठात आप आईसीयू में, आपके इंतजार में आपका फैमिली मेंबर आईसीयू के सामने चक्कर लगा रहा है, कब आपके साथ भेद कराएगा, यही होने वाला है डिसऑनेस्टी, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन सा चूज आपको करना है, आपको कौन सा चूज है? बात करते करते प्रोजेक्टर का ट्रेनिंग कहानी के माध्यम से, ठीक है ना, ये देखिए खोल लिया, धीरे धीरे हर बार नहीं करना है, नहीं तो कुहर उहर का कुहा पे किया फंसेगा, सारा टूर मुड़ जाएगा, सेफ्टी जगह पहुंचा दिया। अभी पावर सप्लाई निकाल लेता हूं, जितना नाट है नाट भी आपको ब्रेन में सेफ रखना पड़ेगा, कौन सा नाट कहाँ पे था, एक नाट अगर गलती हो गया ना प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। आप बोलेंगे नाट के ऊपर किया है, अरे नाट सही जगह पे सही नहीं जाएगा
वो सेटिंग नहीं होगा, सेंसिंग नहीं करेगा, सारा सेंसर का मामला है। जितना जैक है धीरे से खोलना पड़ेगा, क्योंकि फुल सर्विस तभी कर पाएंगे जब प्रोजेक्टर पूरा ओपन करेंगे, रहते रहते तो हो नहीं पाएगा ना। फिर कैमरा यूनिट खोल लेना है, इसका ये फैन यूनिट है, ये खोल लेता हूँ। देखिए पूरा साफ करना है, देखिए कितना काला है, काली भर रहा है। अभी मुझे ब्लेजर खोल के इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग करवाना पड़ेगा। और मैं ये हल्का जो इतना बताया ना, अंदर जो हम गलत खा रहे हैं, याद आया मैं जो कहानी शुरू किया था, अभी उसका मैं क्लियर करूंगा। देखिए अभी हाथ में काली लग गया ना, ये काली कहाँ से आया, इसके अंदर काली कहाँ से आया, देखिए ये काला धब्बा लग गया ना, ये मैं शूटिंग जैसा हाथ में लगा कर आकर नहीं कर रहा हूँ, लाइव देख रहे हैं ना, इसके अंदर काली कहाँ से आया, काला ये पाउडर कहाँ से आया। हमारा बॉडी के अंदर हम तंदुरुस्त होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके साथ इसका रिश्ता है। हम अगर ऑयली चीज ज्यादा खाएंगे क्या होगा, हम जब जिस बर्तन में खाते हैं उस बर्तन में ऑयल तो लग जाता है, उसको हम क्या साबुन या कोई भी डिटर्जेंट से वो साफ कर लेते हैं, वो तो साफ हो जाता है, लेकिन जो खाने के माध्यम से अंदर जो ऑयल गया उसका क्या होगा, अंदर किया साबुन या डिटर्जेंट घुसा देंगे साफ करने के लिए, वो साफ नहीं होगा। उसी से धीरे धीरे रातों रात नहीं हो रहा है, मुंह में टेस्ट लग रहा है, खाते वक्त बहुत अच्छा खाया, लेकिन बाद में वही सर्वनाश करता है और आपको हठात बीमारी पड़ना पड़ता है, आप ICU में भर्ती होता है। आपके लिए आपका फैमिली मैं दोबारा दिखा रहा हूँ ये स्लाइड, क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, जगाने के लिए, जगाने के लिए। मैं 16 टाइप के बीमारी से तंदुरुस्त हुआ हूँ, तभी तो आदमी को जगाने का एक दायित्व तो लिया हूँ भाई, मौका है, मौके को फायदा लेना है। तो यहाँ से आदमी का सिर्फ दो रीजन से बीमार पड़ता है, ये मेरा बात नहीं है, डॉक्टर लाइनस पॉलिन का कहना है, बोलकर दो बार नोबेल पुरस्कार ले चुका है बंदा, आज वो भी दुनिया में है नहीं, डॉक्टर लाइनस पॉलिन बोलकर दो बार नोबेल पुरस्कार लिया है, बोला है एक है मेल न्यूट्रिशन, हमारा खाने में न्यूट्रिशन का घाटती है और टॉक्सिन घुस रहा है अंदर, टॉक्सिन निकाल नहीं पा रहा है बॉडी, कितना टॉक्सिन निकालेगा आदमी, हर खाने के माध्यम से टॉक्सिन घुसा रहा है, बॉडी कितना हजम करेगा, अब बॉडी बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्टर कैसे बिगड़ता है, धूल और धुआं से, ये भी दो रीजन से बीमार पड़ता है। तो धूल जो जिसको चलाना सीक्रेट आता नहीं है, वो धूल मिट्टी के सामने लगा देता है, सामने मोबाइल रख देता है, एंड्रॉयड मोबाइल से इसका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, फिर इसके अंदर DMD खराब हो जाता है, बोर्ड बर्बाद कर देता है, सीक्रेट है, किसी को अस्तक पता नहीं है। ये चलाने के बाद इसका सीक्रेट भी सिखाऊंगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, सीखने का तो मिलेगा फ्री में, दिक्कत क्या है, तभी तो आप दो पैसा कमाएंगे, दूसरे का अच्छा करके, दूसरे का बुरा करके कमाएंगे, पैसा सर्वनाश हो जाएगा, अच्छा करके कमाएंगे, आनंद करेंगे, यही है चॉइस आपका है। तभी ये पूरा साफ करना पड़ेगा, लेकिन धो नहीं सकते, ड्राई लेवल से ही इसको साफ करना है, पूरा बढ़िया चकाचक करना है, नया बना दूंगा। इससे पहले भी एक वीडियो दिया था सर का, एकदम नया पिक्चर, पार्टी बहुत खुश हुआ है सर, सही में आपने जो काम किया है जबरदस्त, कस्टमर जो खुश तभी तो मैं खुश, तभी तो ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ, तो ऑनेस्टी का काम गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके तरफ से एक लाइक तो मिलेगा, एक लाइक देने से क्या होगा, जब से पहुंचा थोड़ी जाएगा, एक कमेंट्स लिखने से गुड और बैड नाइस कुछ भी आप लिखेंगे पैसा थोड़ी लगेगा, एक लिखने से ये नॉलेज हजारों आदमी के साथ शेयर होगा, ठीक है ना। तभी मैं बोल रहा हूँ प्लीज एक लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ वीडियो दे रहा हूँ आपके लिए, आपके सिर्फ अकेला का नहीं, आप आओ ये वीडियो 10 आदमी को प्रमोट करेंगे तो मेरा मकसद कामयाब होगा। मेरा मकसद क्या है, हेल्थ वेल्थ ऑनेस्टी, ये तीनों हर आदमी कमा सकता है ये वीडियो का माध्यम से, देखेगा किसका बात किसको अच्छा लगता है पता नहीं है, जिसको अच्छा लगेगा पॉजिटिव, इसीलिए मैं इतना कहानी भी सुनाया। तो चलिए अभी इसको पूरा खोल लेते हैं, मैं खोलने का पूरा सीक्रेट दिखाया हूँ और बार बार आगा भी किया हूँ, कुछ भी खोलने से पहले खाली पैर मत रहिए,
और 8 दिन में आपका बॉडी रहना नहीं चाहिए। लाइव देखिए, खोलने का टेक्निक दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जितना पार्ट है उसको थोड़ा खोल लेना है, ये देखिए, और सप्लाई अलग हो गया, पूरा साफ करना है और साथ ही साथ हटा देना। ये गिर कर पड़ेगा तो खराब हो जाएगा, सेंसिटिव चीज है। अभी ये कैमरा यूनिट सिर्फ 3 नाट के ऊपर लगा हुआ है, मैं 3 नाट खोल लेता हूँ, साथ में रहिए। तीनों नाट खोल लिया, कहाँ पे, यहाँ पे एक कोने पे एक नाट, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, ये 3 नाट खोलने के लिए, नहीं तो आप नाट ढूंढते रह जाएंगे कौन सा 3 नाट। खोल लिया इजीली, देखिए कैमरा यूनिट बाहर आ गया। और यहाँ से कलर व्हील निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों नाट खोलना पड़ेगा, उसके बाद इधर एक नाट है, ये नाट खोलने से ही कलर व्हील निकलेगा। लेकिन बहुत सावधानी से दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सावधानी से खोलना है, नहीं तो कलर व्हील टूटेगा, बाद में आपका डैमेज लगेगा, ठीक है पैसा। और यहाँ पे तस्वीर उज्जवल करने का मेन फंडा यही पे है, कैमरा जब दुबला हो जाएगा पिक्चर भी दुबला हो जाएगा। इसका पूरा सीक्रेट मालूम है, और वेस्ट बंगाल में मैं सबसे ये मॉडल मैं हाईएस्ट सेलर था, ये मेरा भी बहादुरी नहीं है। और एक हिस्टोरी बता के रखता हूँ दोस्तों, मैं एक मोबाइल सिम कार्ड रिसेलर था, जब हाथ था हाथ कंपनी, अभी तो वोडाफोन नाम है, वोडाफोन आइडिया बन गया, उससे पहले वोडाफोन था, उससे पहले था हाथ। हाथ जब था वेस्ट बंगाल में, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में मैं सिम बेचने में सबसे नंबर वन रहा था, वो भी मेरा बहादुरी नहीं था। मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, तो भी मैं प्रोजेक्टर का काम दिल से सीखते सीखते एक अच्छा मकाम कर लिया। मैं चाह रहा हूँ मेरे जैसे हजारों करोड़ों आदमी मकाम कर ले, तभी मैं इतना बक बक करके आदमी को जगाने का पूरा तत्पर हूँ। कोई जगता है, कोई अभी भी सो रहा है, लेकिन विश्वास है अगर 10 साल के अंदर बहुत मेरा फैन बनेगा, फैन, ठीक है ना, मेरे पास भी ऑटोग्राफ लेने के लिए आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहादुरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। मेरा सपना है मैं करोड़ों आदमी को जगाऊंगा, करोड़ों करोड़ों आदमी को जगाऊंगा, सिर्फ ये वो 1 करोड़ नहीं, बहुत करोड़ ऊपर वाला जाने अभी, ठीक है। अभी 3 चीज रह गया, ये और ये फैन, मिडिल फैन। ये मिडिल फैन जब खराब हो जाता है तब ये प्रोजेक्टर का लाइन पूरा कंप्लीट होते होते बंद हो जाता है, ये भी एक सीक्रेट है, ठीक है ना। मैं बताया ना, अगर स्किप करके कोई वीडियो देख रहा है उसको पूरा नॉलेज होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बीच बीच में सीक्रेट बताता हूँ, नहीं तो क्या होगा, मेरा वीडियो कंप्लीट स्किप करके चला जाएगा, मैं सीक्रेट बताऊंगा, मुद्दा देखकर चला जाएगा, और मेरा ये एक बात किसी की क्या ब्रेन में घुस गया वो जगेगा। मैं क्यों ये कोशिश कर रहा हूँ, मिक्सर बनाकर वीडियो क्यों बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति मल्टी नॉलेजमैन बन जाए, यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है। नहीं तो मैं आता टुक करके निकलता, वहां पे म्यूजिक बजता, मुंह में कुछ बताता नहीं, हाँ टुक टुक करके मैं खोलता लगाता, वीडियो हो गया, उसमें आदमी लाखों मिलियन मिलियन व्यू रहा है और शेयरिंग करता है, लेकिन अच्छा वीडियो आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। मिलियन व्यू होने से आदमी दुनिया सुधरेगा, उससे तो एलर्जी है ना, इंडियन है ना, इंडियन तो काकरा जैसा चाहेगा ना, अरे जो उठना चाहता है उसको उठने नहीं देता। लेकिन मेरा चैलेंज है, मेरा विश्वास है, मेरा वीडियो भी मिलियन व्यू होगा, टाइम आ रहा है, सबर का फल, मैं सबर से शांति से बैठा हूँ, आज नहीं तो कोई अकाल होगा, होने का चांसेस है, क्यों नहीं होगा। तो चलिए अभी खोल लेता हूँ, ये फैन भी खोल लेता हूँ, फैन 2 नाट के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे ब्लास्ट यूनिट है, वो भी मैं खोल के पूरा प्रोजेक्टर को नया बनाना है। कस्टमर को मैंने जुबान दिया हूँ पिक्चर को नया बना के दूंगा, अगर काम सही से नहीं होगा थोड़ी ना होगा नया। देखिए अंदर ब्लास्ट यूनिट है, ये भी खोल लेता हूँ, और ये खोलकर मैं अभी पूरा साफ करने के बाद, साफ करना और क्या दिखाएंगे, केमिकली रिफाइनिस्ट बनेगा, ठीक है, बहुत सीक्रेट है अंदर। देखिए दोस्तों, ये बॉडी से ऐसे ही निकल रहा है, इसको फिक्स होना जरूरी है, किसी ने इसका पूरा बर्बाद कर दिया, इसका लॉक उक सारा ये खुला हुआ है, अलग से आया हुआ है, ये बहुत टाइम लगेगा, बोरिया से फिटिंग करना पड़ेगा, इसका लॉक हो गया, देखिए लाइव खोल के दिखा रहा हूँ, तो इसको सेफ्टी जगह पे रख लेता हूँ।
का सारा बर्बाद कर दिया, तो प्रोजेक्टर कैसे लॉन्ग लास्टिंग करेगा? सोचिए, जो सेंसिटिव चीज है वो नाजुक होके बैठा हुआ है, वो नाजुक चीज से ही तो बीमारी लगेगा, प्रोजेक्टर कैसे ऑन होगा और चलेगा कैसे? दो नाट के ऊपर ये है और ये चार नाट के ऊपर ये है, मैं खोल कर दिखा देता हूँ, साथ में रहिए दोस्तों। ये देखिए ऊपर एक नाट था, ये नाट को खोल दिया, इजीली सुंदर बाहर निकल आएगा। देखिए ये भी साफ करना है, ठीक है? कैसे रहता है एक बार भूल नहीं जाना कैसे रहा था। लॉक है इधर बैठेगा, ये भी दो नाट से लटका हुआ था, इसको पूरा केमिकली रिफाइनिश पूरा नया बनाएंगे। और ये है ब्लास्ट यूनिट, ये निकल गया सारा पार्ट, भरता बना दिया, अभी प्रोजेक्टर पूरा नंगा कर दिया। इसको बढ़िया से अभी सारा ड्रेस खोलकर इसको पूरा साफ करना है, नहीं तो मैं भी गंदा बन जाऊंगा, इतना गंदा है तो पूरा सेंसिटिव है। सबसे पहले दिखाऊंगा फिटिंग करना आपको आएगा, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियो का बेनक्यू का खोलना लगाना दिखा चुका हूँ सेम मॉडल का, लेकिन इसका सीक्रेट और उसका सीक्रेट अलग है। दोनों वीडियो देखिए आपका आएगा, आगे बेनक्यू का बहुत वीडियो आएगा अभी, क्योंकि बेनक्यू का प्रोडक्शन रनिंग है, बाकी बहुत मॉडल का प्रोडक्शन बंद है, ठीक है? लेकिन मैं बोलूँगा आप डीएलपी प्रोजेक्टर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ डीएलपी प्रोजेक्टर, लेकिन कौन सा ब्रांड लेना है, किस पर्पज पे यूज़ करना है मुझे कंसल्ट कॉल के लीजिएगा। एनी टाइम 24/7 मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम एनी डे, संडे हो या मंडे, डोंट वरी, कॉल करना झिझकना नहीं है, ऑल टाइम। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, मेरे साथ आपका सेवा मेरा सेवा, ठीक है? तो चलिए अभी इसको पूरा रिफर्निश बनाऊंगा, सारा हटा देता हूँ और सबसे पहले ये कैमरा यूनिट को बनाऊंगा, सबसे पहले ये है सबसे मेन मुद्दा, ठीक है? इसका जब बनाएंगे तभी पिक्चर क्वालिटी बनेगा, उसके बाद बाकी तो होगा ही होगा। और लैम्प का एमपीएल बदलेंगे वो तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, वो बहुत सीक्रेट है। इसी लैम्प को मैं चला के दिखाऊंगा, इसका लॉक उक सारा लगाऊंगा, ठीक है? इजीली चलेगा, दौड़ेगा, चला के आपको दिखाता हूँ, साथ में रहिएगा। और ये मैं खोल लेता हूँ लाइव, देखिए स्क्रू मतलब स्क्रू ड्राइवर पावरफुल होगा तब काम करके मजा आएगा, ठीक है ना? ये देखिए स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू लटक के रहेगा और ये खुल गया। और इसको एक ही नाट के ऊपर ये भी लगा हुआ है, इसको खोलने से भी बहुत सावधानी से, बहुत ठुनका चीज है, टूट जाता है, बहुत सावधानी से। देखिए सेंसिटिव चीज है, बहुत ठुनका चीज है, सावधानी से एकदम सेफ्टी के साथ साइड कर देता हूँ। यह है मेन कैमरा यूनिट, इसको बढ़िया से क्लीन करना है, ठीक है? क्लीन करने का तरीका आप लोगों को मैं बार बार दिखा दिया। और इसका अगर क्रिजम यूनिट ग्लास यूनिट पूरा बर्बाद हो चुका है तो नया डालूंगा, मैं एकदम पहले बोल देता हूँ, ठीक है ना? इसका टनल अगर खोगी हो गया उसको टनल भी लगाना है, तभी पिक्चर नया बनेगा। A to Z स्पेयर पास मेरे पास मिलेगा, कोई भी कंपनी का कोई भी मॉडल का, सिर्फ चाइना वाला छोड़कर। इसका आधा फोकी हो चुका है, ये नया लगा दूंगा, ठीक है ना? मेरे पास है अवेलेबल, डोंट वरी। और अंदर टनल को चेक करके मैं ये बाद में मैं बताने वाला हूँ, अभी आपको पूरा खोलना लगाना दिखा दिया, अभी मैं ड्रेस खोल कर इसको पूरा साफ करूंगा, उसके बाद फिटिंग करने के बाद आपको इसको चलाकर दिखाऊंगा वीडियो कैसे दिखता है, एक बार देखकर बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों एकदम पूरा साफ सुफ करके जबरदस्त एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है ना? पूरा केमिकली ऑर्गेनिक, केमिकली वो ऑर्गेनिक क्लीनर का भाव है 200 ml का बोतल 1000 रुपया, ठीक है? और एक बोतल से कम 7-8 प्रोजेक्टर क्लीन कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। जब भी एकदम फुल फील फाइनली क्लीन करना है तो ऐसा करना है। तो ऑलरेडी
मैं आपको बताया था ना, सबसे पहले कैमरा बनाऊंगा, एक कैमरा का पूरा भरता बना दिया एकदम। देखिए वो कैमरा यूनिट ने पूरा सारा खोल दिया, क्लीन करने के बाद भी नहीं होता है, कैमरा यूनिट बदलना पड़ गया क्योंकि ये फॉगी हो जाता है। मैं एकदम बढ़िया से क्लीन कर लिया, एकदम लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं दिया, आप देखे नहीं है गारंटी, समझ लीजिए। प्रोजेक्टर का पूरा भरता बना दिया, देखिए पूरा सारा खोल दिया, सारा पार्ट एकदम अलग कर दिया, देखिए कुछ नहीं है, सारा एकदम अलग कर दिया। और मैं बताया ना जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसका प्रूफ देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन किया है सारा पार्ट, परिचय होते ये सारा पार्ट एकदम नया बना दिया, एकदम सारा पॉलिश करके, तभी तो प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा। लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट, काम नहीं करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग ऐसे, ये तो पूरा जंग लग गया था, पूरा एकदम चकाचक बना दिया। डायलॉग नहीं मार रहा हूं दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए सारा पार्ट एकदम नया बना दिया, देखिए यूनिट को, ये पूरा यूनिट भी एक सेंसर है ना, सेंसिंग कैसे करेगा, लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगा, समझ गए ना। मैं इतना जो बात बताता हूँ, आप बाहर से कितना भी साबुन ना लगाइए, कितना भी क्लीन एंड क्लियर, कितना पावरफुल कुछ भी लगाइए, बाहर से साफ होने से फायदा नहीं है, अंदर से साफ होना जरूरी है। तभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, गलत चीज मत खाइए, अपना पेट को कचरे का डब्बा मत समझिए, पेट है अच्छा न्यूट्रिशन का पचाने का सब्जेक्ट, उसमें गलत चीज डालेंगे ना गलती हुई पे रहेगा। बाहर से कितना साफ सुफ करके बॉडी को ठीक नहीं रख सकते, तो ये प्रोजेक्टर भी सेम, ऊपर से पूरा कितना भी पॉलिश करूं, अंदर से काम करना सही है, अंदर से इसको काम करना सही है, तभी ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ठीक है ना। मैं तभी बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रीटमेंट करके चिकित्सा करके बीमार भगाने से अच्छा है बीमार ना होने देना, तो उसका मूल विषय वस्तु है। मैं जो काम जानता हूँ उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों लाइव, और ये बॉडी के पूरा मिलजुल है, ये तो खोलकर साफ कर लिया अंदर से, अंदर का पार्ट कैसे खोलकर साफ करेंगे, घिस घिस कर। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बिना ऑयल का जितना कम हो सकता है बिना ऑयल का खाना खाइए। आज जो स्ट्रोक हो रहा है 99% रीजन है एकमात्र ऑयल ज्यादा खाना, फैटी चीज ज्यादा खाना, ठीक है ना। ऑयली चीज मत खाइए, एकदम कम खाइए जितना हो सके, बहुत कुछ है टेस्टी का खाना, रॉ मटेरियल लाकर सामान्य तेल में लग्जरी खाना बंद कर दीजिए, लग्जरी खाना ही नहीं है, नॉर्मल खाना है, नॉर्मल मसाला नमक मिर्ची आप एकदम लिमिटेड देंगे ना, खाना एकदम टेस्ट भी बनेगा, अच्छा भी लगेगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, ठीक है ना। तभी मैं बता रहा हूँ, ये हेल्थ के साथ ये पूरा मिला जुला है, इतना लंबा करके वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा, हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान एक ही चैनल में, पैसा भी कमाना है, इज्जत भी कमाना है, टाइम भी कमाना है, ये तीन चीज हर व्यक्ति नहीं कमाता, बहुत रेयर व्यक्ति कमाता है। तभी मैं बता रहा हूँ, काम में गफिलती नहीं करना, ऑनेस्टी में धोखाधड़ी नहीं करना, सफलता कभी नहीं होगा, समझिए मेरा बात को, ठीक है। फिर अभी इसका पूरा फिटिंग करूंगा, साथ में रहिए, टाइम बिफॉल नहीं होगा, पहले कैमरा यूनिट को फिटिंग कर लेता हूँ। ये कैमरा सेटिंग कर लिया देखिए, फिर ये वाला भी लगाना है, और उससे पहले ये लेंस उत्तल लेंस जो है ये भी लगा देना है, ये इसको कंडेंसर लेंस भी कहा जाता है, लेकिन ये मिनी, ठीक है ना। और इसके बाद ये वाला मैंने नया लगा दिया, एकदम नया पिक्चर बनेगा, देखिए एकदम देखिए चकाचक सेट कर दिया, नाक लगा लेता हूँ, एक भी काम कमी नहीं छोड़ना है, ये एकदम कलर व्हील नांगा कर दिया देखिए, ठीक है ना। और कलर व्हील का जो सेंसर है वो भी साफ करके रखना जरूरी है, नहीं तो दो दिन बाद ये लफड़ा करेगा, काम सही से करना है ना, मैं बार बार किया समझाना कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए कलर सेंसर निकल गया ना, अभी इसको सावधानी से रखना है, ध्यान में रखिएगा, साफ करते करते फिर दिक्कत ना हो जाए। मैं ये साफ कर लेता हूँ, एकदम बढ़िया से साफ करके नाक लगा दिया, ध्यान से बहुत सावधानी से, कलर व्हील नहीं टूटना चाहिए, टूटेगा तो काम किया करना है ना। देखिए अभी दो नाक दोनों तरफ से लगा देंगे, कलर व्हील बाद में सेटिंग भी कर लेंगे, साथ में रहिए, नाक लगा लेता हूँ दोस्तों। कलर व्हील के ऊपर एक जबरदस्त सीक्रेट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए।
जब भी मैं ये साफ करूंगा खोलूंगा, कलर व्हील में गलती से भी नहीं पकड़ना है। ये जो व्हील है रंगीन, ये ग्लास में टांस नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जो पकड़ने के लिए हैंडल है, इसमें पकड़ के काम करना है। जितना भी नाट खोलो कुछ भी करो, इसमें टांस नहीं होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। टूटने से आपका नुकसान, आपका नुकसान होगा तो मुझे क्या खुशी होगा? मैं चाहता हूँ आपका पैसा बचे। इतना घुमा फिरा कर वीडियो देने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ आपका पैसा बचे। जिसके पास ऐसा मॉडल प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है वो खुद का काम खुद करके पैसा बचाए और प्रोजेक्टर का लॉन्ग लास्टिंग कराए, आपका पैसा बचाए, आनंद करे, तो मेरा नॉलेज काम आएगा, नहीं तो क्या होगा? समझ गए ना मैं इतना सीक्रेट क्यों उबाल के दे रहा हूँ? ठीक है, तो प्लीज एक लाइक कमेंट कीजिएगा और आपका सामान सही से जब कर पाएंगे तब मुझे सबसे अच्छा लगेगा, मैं सबसे खुश हूंगा। जो ना चलो मेरा वीडियो देखकर किसी ने जग गया, और इतना इशारा देने का मतलब है ये मॉडल इतना सीक्रेट देखने के बाद बहुत सारा मॉडल में आप ये काम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बार बार बोल रहा हूँ, डिसऑनेस्टी नहीं करना है, काम करना है, सिर्फ मुंह में डायलॉग नहीं मारना है, ठीक है ना? चलिए अभी फिटिंग कर लेता हूँ। और इसका जो कवर, इसको भी बढ़िया से एकदम काला उला जितना है साफ कर लेना है, ठीक है? ब्लैक, काली और धूल इसका महाशत्रु है, इसमें नहीं रहना चाहिए। संसार उतना सारा साफ करना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए फिटिंग कर लेता हूँ अभी। देखिए नाट लगा रहा हूँ, इसके बाद दूसरा काम करना है। और कौन सा नाट कहाँ पे है वो याद रखना है, बोलते से भी दूसरा नाट दूसरा जगह पे नहीं लगाना है, समझिएगा मेरा बात को। लगा दिया, अभी इसका कवर लगाना है। कैमरा यूनिट साफ किया हूं, फिर भी नहीं होगा तो यूनिटी बदल दूंगा, नया पिक्चर बनाना ही पड़ेगा। मेरा काम जो करने वाला था मैंने किया हूं, अगर नहीं होता है तो फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है? अभी दो नाट यहाँ पे लगा लेता हूँ, एकदम बढ़िया फिटिंग कर दिया, ठीक है ना? ये भी एकदम घूम रहा है, ओके है, काम हो गया इसका फिटिंग। अभी बॉडी को फिटिंग करना, सबसे पहले सारा टुकड़ा वुकड़ा कर दिया ना, इसको भी सीटिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले ये वाला लगा देना है। देखिए लाइव इतना बड़ा वीडियो बोरिंग लगता है लेकिन नॉलेज बढ़ता है दोस्तों, टाइम इज मनी, ठीक है? देखिए बैठा दिया, ऊपर से भी सेट हो गया, अभी इसको बिठाना है। देखिए बिठाने का सीक्रेट, देखिए एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए बैठ गया। अभी इसको नाट लगाऊंगा, फिर ये स्पीकर निकाल लिया हूँ, स्पीकर नहीं है ना, स्पीकर लगा दूंगा, ठीक है ना? अवेलेबल स्पेयर पार्ट्स, चिंता करने का कोई बात नहीं है। लगा दिया नाट, बात करते करते एक काम कहानी, देखिए सुंदर सेटिंग हो गया ना, एकदम नया बन गया पार्ट, देखिए तभी तो लास्टिंग करेगा। अभी सबसे पहले ये नीचे वाला जहां से सेटिंग होगा ये वाला सेट करना है। देखिए ये भी एक सेंसर है, देखिए पूरा धोकर एकदम ओके कर दिया, क्योंकि सेंसिंग नहीं करेगा तो काम कैसे बनेगा, सोचिए। ये सेंसर को लगाना है बढ़िया ढंग से, ये लगाने का जगह है, आप कर पाएंगे, जब भी आप करेंगे ना आप कर पाएंगे, निश्चित रहिए। ये जो सेंसर है अंदर, ये सेंसर लैंप का टेम्परेचर थोड़ा घटाने में मदद करता है, तभी तो दिया है कंपनी, ठीक है ना? सबको साफ होना तभी तो वो सेंसिंग करेगा। हाँ सब कुछ ओके है, अभी ये सारा लगा लेता हूँ, साथ में रहिए। और स्पीकर लगा लेता हूँ, ये स्पीकर यहाँ पे रहता है दो नाट से, मैं स्पीकर को लगा लेता हूँ, ये रहेगा ऐसे, तो स्पीकर रहेगा ऐसे, जैसे जैसे था ऐसे लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? लगा लेता हूँ स्पीकर, साथ में रहिए, दो नाट लगाना है सिर्फ, आप भी कर पाएंगे निश्चिंत रहिए। ये लगा लिया स्पीकर, देखिए यहाँ पे हटा देता हूँ अभी। अभी सबसे पहले इसको बिठाना है, जैसे था ऐसे ही बिठा देंगे, और दो नाट था दो नाट भी लगाना है, लगा लेता हूँ, ठीक है? ये लगाने के टाइम एक बात याद आया, एक चीज दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों
यहाँ पे एक नाट, यहाँ पे एक नाट है ना, और इधर भी एक नाट है। ये तीन नाट के पीछे ये तीन छेद है, एक ये है, दो ये है, तीन। ये तीन में जब उल्टी करके सीलिंग में लगाता है ना, इसी नाट में स्क्रू घुसकर टाइट होता है। लेकिन यहाँ पे नाट क्यों दिया, यहाँ पे नाट क्यों देकर रखा, ताकि अंदर मेटल भी है एकदम ब्रास का, ताकि जब टाइट देंगे, ये अगर प्लास्टिक का रहेगा, प्लास्टिक तोड़ के निकल जाएगा ना, बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए यहाँ पे नाट देकर रखा है। कंपनी के इतना इजी टेक्निक देकर रखा है, तो नाट कितना भी टाइट दूँ, टाइट रहेगा लेकिन वो तोड़ के नहीं निकलेगा, नहीं तो इसी लटक के कैसे रहेगा, समझिए कॉन्सेप्ट को। तो इसीलिए अंदर से इतना मजबूती देकर रखा है, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग करता हुआ प्रोजेक्टर हुआ करता था कभी, लेकिन आदमी लोग सर्विस का अभाव से इसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं करा पाया। सीक्रेट नहीं जानता ना, तो भी जिसके पास है, मैं चाहता हूँ मेरा नॉलेज से उसका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करे। आपके पास भी है, अगर आप नहीं कर पाते तो भेज दीजिए मेरे पास, मेरा एड्रेस देख लीजिए कौन सा एड्रेस में भेजना है। भेजने से पहले मेरा जो पैकिंग करने का वीडियो मैंने दिया हूँ ऑलरेडी, वो पैकिंग करने का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं साथ में देकर रखता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो मेरा चैनल में है, पैकिंग करने का वीडियो देखिए, मेरा एड्रेस देखिए। इस एड्रेस में स्पीड पोस्ट के माध्यम से 50 रुपया पर किलो कैसे करना है, मुझे फोन करके जान लीजिएगा, पूरा साथ में रहूंगा, सिखा दूंगा। डोंट वरी, आपका प्रोजेक्टर का सर्विस एकदम नया बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। ये गारंटी प्रोजेक्टर मॉल का है, देवव्रत अधिकारी का है। साथ में रहिए दोस्तों, चलिए अभी फिटिंग करते हैं प्रोजेक्टर को। अभी ये ब्लास्ट यूनिट को सबसे पहले बिठाना है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे खोला था सेम टू सेम याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हड़बड़ी करेंगे तो कैसे चलेगा। ये चार नाट में लगा लेता हूँ, बैठा दिया, एकदम नया बनेगा प्रोजेक्टर, निश्चिंत रहिए। ये लगाने के बाद इसको कवर लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ये लगा लेता हूँ, साथ में रहिए। इसके बाद ये फैन को जाम करना जरूरी है, ये तो स्क्रू तो खो दिया किसी भी तरह, ये फैन ये फ्रेम में फिक्स करना ही करना है, लेकिन गलती से भी गाम मत देना, किसी भी दूसरा उपाय से इसको, मैं इसको अंदर पिकिंग डालकर उसके बाद गुटली लगा दिया, एकदम जाम हो गया, ठीक है। कैसे किया हूँ उसको भी सिखा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी इसको बिठाना है और दो नाट लगाना है। देखिए ये फैन लगा दिया, एकदम बढ़िया से फिटिंग हो गया, और ये अभी लटकेगा नहीं, ठीक है ना, एकदम फिक्स टाइट हो गया, ठीक है। फेविकॉल का जोर बोलता है ना टूटेगा नहीं, ऐसे ही फैन को टाइट करके सेटिंग किया, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ। अभी कैमरा यूनिट भी बिठा सकते हैं, पावर सप्लाई भी बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैमरा यूनिट बिठा लेता हूँ और दो तीन नाट है, तीन नाट लगा लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक इधर दो लगा लेता हूँ, साथ में रहिए। अभी लगाऊंगा पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को ऐसे ही पकड़ना है, बीच में नहीं पकड़ना है, क्योंकि इधर ये जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, याद रखना, ठीक है। मैं खोलने का टाइम भी बताया था, याद रखना। अभी पावर सप्लाई यूनिट एकदम सही से बिठाएंगे जैसे खोला था, और लगाने से पहले ये जो ब्लास्ट यूनिट का कनेक्शन है ये लगा लेना है, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। लगा दिया, ये भी बाद में लगाएंगे, मैं बिठा लेता हूँ, साथ में रहिए दोस्तों, भूलना नहीं। देखिए एकदम पावर सप्लाई बिठाने के बाद इसका जो ब्लास्ट यूनिट का कनेक्शन है इधर इधर से निकला हुआ है, और यह है फैन का कनेक्शन, और फैन का जो सेंसर का कनेक्शन अंदर पावर सप्लाई में एक पॉइंट है घुसा देना है, क्योंकि खोलने का टाइम याद रखना है, भूलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तभी और इधर एक नाट, यह पे एक नाट, इधर एक नाट, ये तीन नाट लगा देना है, और जो पावर सप्लाई का एक आर्थिन कनेक्शन है यहाँ पे लगाना, भूलना नहीं है, पूरा मैंने लगा दिया। लगाने के बाद सीक्रेट भी बता रहा हूँ, क्योंकि खोलने का सीक्रेट और लगाने का सीक्रेट अलग होता है। खोलने के टाइम तो खोल दिया, फिटिंग के टाइम गड़बड़ करेंगे तो गया, ठीक है ना, उसी में है, ठीक है पंडिती। तो चलिए अभी सीख लेते हैं, मैं पंडित नहीं हूँ लेकिन बहादुरी नहीं है दोस्तों, दोस्त के हिसाब से प्रॉब्लम में फंसेंगे तो फोन कीजिएगा, ठीक है। मैं दोस्त ढूंढ रहा हूँ,
अच्छा दोस्त ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, दोस्त के साथ बात करने में बहुत मजा आता है। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा बहुत बड़ा दोस्ती का रोल निभाया था, ठीक है ना। सुदामा कितना गरीब था और श्री कृष्ण स्वयं भगवान था, फिर भी दोस्ती निभाया था। तो मैं मुझे भी ऐसा दोस्त चाहिए। मैं बोल के रखता हूँ दोस्तों, सही में अगर मैं हाथ फैला कर रखता हूँ, अगर मुझे दोस्त बनाना है प्लीज़ फ़ोन कीजिएगा। 24x7 दोस्तों बहादुर नहीं है। मैं आनंद करने का मौका ढूंढ रहा हूँ, आनंद करने का, रोने का मौका नहीं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। और मैं जब आनंद करने का मौका ढूंढ रहा हूँ, आदमी लोगों को भी जगाने के लिए मैं तत्पर हूँ। इसीलिए इतना लंबा वीडियो बहुत समझा बुझा कर कहानी के माध्यम से जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा, साथ में रहिए। और शॉर्ट में इसका एकदम मंत्र जैसा सीक्रेट बताऊंगा कैसे इसको चलाना है, साथ में रहिएगा। तो दोस्तों अभी लास्ट फीडिंग करने वाला हूँ, थोड़ा साथ दीजिए, सीख लीजिए, आप ही का काम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो पूरा नया बनने के बाद ये भी लगा दिया, जैसे खुला था ऐसे ही लगाया। ठीक है, ये तो आप कर ही पाएंगे, एकदम चैनल टू चैनल बैठ जाएगा, चारों तरफ से पॉइंट है, बैठ जाएगा एकदम। ठीक है, अभी इसका दहिने वाला फैन सबसे पहले लगाना है, एकदम देखिए नया बन गया ना फैन, एकदम पॉलिश करके नया बना दिया। ठीक है, अभी फैन का कनेक्शन, दोनों का हवा बाहर ही निकलेगा, दोनों का हवा बाहर निकलेगा। ये फैन याद रखिएगा, ये इधर हवा मारेगा, ये इधर हवा मारेगा, और लंबा वाला तार जो है ये वाला इधर रहेगा, और छोटा वाला जो तार है इधर रहेगा। ठीक है, दोनों का हवा बाहर ही निकलेगा, याद रखना है। ठीक है, अभी मेन बोर्ड बैठेंगे, देखिए एकदम इजी तरीका से। और इधर रैम बोर्ड में फंसाना है, ये भी भूलना नहीं है, एकदम रैम बोर्ड में इजीली एकदम घुस जाएगा। ठीक है ना, रैम बोर्ड और इधर में पावर सप्लाई का कनेक्शन भी अंदर फंसेगा, वो डंडा डंडा जो खड़ा हुआ होता है, या फिर अलग से लगाने का कोई जगह है नहीं। तो ये रैम बोर्ड और जो ये पावर सप्लाई का कनेक्शन है, दोनों एक ही साथ सेट होगा तभी मेन बोर्ड बैठेगा। इधर है पावर सप्लाई का कनेक्शन और इधर है रैम बोर्ड का कनेक्शन, दोनों को बढ़िया से बिठाना है, नहीं तो मेन बोर्ड क्रैक हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, फायदा के जगह नुकसान हो जाएगा। साथ में रहिए, सेट कर लेता हूँ एकदम। देखिए बढ़िया से फिटिंग हो गया, अभी कनेक्शन जितना है, फैन का कनेक्शन, ये भी फैन का कनेक्शन, ये है ब्लास्ट यूनिट का कनेक्शन, ये फैन का कनेक्शन, ये भी मिडिल फैन का कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कलर व्हील का दोनों कनेक्शन लगा दिया, अभी रिमोट का सेंसर का कनेक्शन और स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अभी साथ में रहिए, ये सेट कर लेता हूँ, छोटा छोटा करके एकदम देखिए चैनल टू चैनल बैठेगा, घबराना नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पे दोनों साइड में ये चैनल है, देखिए बैठ गया। ठीक है, और जो वायर का कनेक्शन है यहाँ पे सेट हो जाएगा दोस्तों। देखिए एकदम जबरदस्त फिटिंग हो गया, ठीक है ना, एकदम वायर जैसे जैसे पैनल में था पूरा बैठा दिया, ये हीट सिंक भी बैठा दिया चारों तरफ। अभी लैंप लगाऊंगा नीचे की तरफ, लैंप का मैंने एम्पेल रेडी कर लिया, ये दो दिन लगा है एम्पेल लगाने के लिए। ठीक है ना, एकदम जैसे ओरिजिनल था, सिर्फ पीछे वाला उन्हीं का रखा मैंने, छोड़ा नहीं है, बीच वाला मैंने चेंज कर दिया, देखिए एकदम ओरिजिनल जैक लगा दिया। ठीक है ना, तभी जला के दिखाऊंगा आप लोगों को, लाइव रहिए, साथ में रहिए, बहुत काम आएगा दोस्तों। ऑनेस्टी के साथ ऐसा काम किया हूँ, मुझे लग रहा है 100% प्रोजेक्टर हो गया, 100% लग रहा है। ठीक है, तो लैम्प लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं आपके सामने लाइव ऑन करके दिखाऊंगा, मैं जैसे ऑनेस्टी के साथ काम किया हूँ, सारा सेंसर उनसर जैसे एक ही बार में एकदम कंप्लीट किया हूँ, और लैम्प का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व कर दिया, कैमरा का रैम का जितना प्रॉब्लम था एक ही बार में चेक करके करके सेट किया हूँ ना, एक ही बार में हो जाएगा 100% श्योर। ठीक है,
ऊपर वाला जाने 1% इधर उधर, ठीक है। मैंने 100 बोला हूँ, एक्चुअली बोलना चाहिए था 99%, लेकिन मेरा मन बोल रहा है, इतना काम कर चुका हूँ, मन बोल रहा है जे 100% हो गया। चलिए देखते हैं, अभी लाइट आ गया, एक बार पावर बटन प्रेस करेंगे, अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोकस आ भी गया, बहुत आनंद लग रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट सक्सेस हुआ, जैसे सोचा था ऐसे चल भी गया, ठीक है। अभी पिक्चर में चेक करूंगा, अगर इसमें हाई क्वालिटी तो हो गया तो हो गया। इसमें जैसे नया पिक्चर अगर बनाना है तो इसका कैमरा यूनिट कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टनल और टनल तो अलग से मिल जाता है, सिर्फ टनल से काम नहीं चलेगा। वो जो कैमरा मैंने साफ किया हूँ उसका ग्लास भी दुबला हो गया, फिर भी अगर पार्टी राजी नहीं होता तो मैं वो कैमरा यूनिट भी बदल दूंगा, अगर पार्टी पैसा देने के लिए राजी है तो। तो लेकिन मैं ऑनेस्टी के साथ काम करके रेडी करके रखा हूँ। अभी चलिए पिक्चर क्वालिटी एक बार देख लेते हैं इसका, और शॉर्ट में बताऊंगा इसका सेटिंग। याद रखिएगा, मैं स्क्रीन में आज नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, आज ज्यादा परमिट नहीं करेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। सेटिंग मैं मुंह में बोल देता हूँ, इसका जो सेटिंग है कीस्टोन एकदम जीरो में रखिए, जब का परमानेंट सेटिंग होगा तो वो आपको दाहिने बाएं करके प्लस माइनस करके रखना है, और लैम्प को इको मोड में जरूर रखना है। लैम्प को इको मोड में रखेंगे ब्राइटनेस थोड़ा कम लगेगा, लेकिन लैम्प लॉन्ग लास्टिंग करेगा और मशीन में भी प्रेशर कम पड़ेगा। और गर्मी का मौसम में अगर आपने प्रोजेक्टर को ऑन कर लिया, स्विच को अगर ऑफ कर दिया, ऑन कर लिया आपका काम हो गया, अगर ऑफ कर दिया कम से कम आधा घंटा बाद ऑन करना है, कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ऑफ करके ही फिर 2-5 मिनट के अंदर मशीन को ऑन करेंगे, ऑन नहीं होगा रेड बॉटम दिखा देगा, बार बार बोल रहा हूँ सीक्रेट। और ठंडा का मौसम है तो कम से कम 10-15 मिनट बाद चला सकते हैं, एक बार शट डाउन करने के बाद। और एक सीक्रेट है, लैम्प को इको मोड में करना है, और जो हाई एटीट्यूड मूड है मतलब उसको कूलिंग सिस्टम उसको भी ऑन करके रखना है, जल्दी ठंडा करने का मतलब फैन स्पीड बढ़ेगा उसमें, ठीक है, मतलब हवा दोनों तरफ से एकदम पूरा बाहर निकल देगा और प्रोजेक्टर में इफेक्ट कम होगा। और हो सके तो लॉन्ग लास्टिंग करना है इसको, गर्मी का मौसम में प्रेशर में कम पड़े, ये पीछे से थोड़ा एक हाई स्पीड वाला जो छोटा फैन आता है ऐसे पना को नीचे जिस तरफ गर्मी का हवा निकलता है पीछे से एक हवा देंगे तो इसका लॉन्ग लास्टिंग बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप दिन में 1-2 घंटा चलाते हैं तो जरूरत नहीं है, ज्यादा चलाएंगे तो इसको एक बाहर से फैन देने से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ये सीक्रेट है। और अंदर का सीक्रेट मैंने सेटिंग बता दिया, और पिक्चर मोड जो है और उसका सिस्टम है उसमें आप प्रेजेंटेशन रखेंगे तो पिक्चर थोड़ा अच्छा दिखेगा। यूजर वन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जितना है वो एकदम मिडिल में रहेगा, याद रखिएगा, उससे बढ़ाना घटाना नहीं करना तो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर कभी कभार बढ़ाते हैं बाद में तुरंत उसको एडजस्ट करके रखिएगा, क्योंकि जितना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे मशीन में प्रेशर उतना पड़ेगा, समझ गए ना। ये भी तो नॉर्मल सेटिंग में चलेगा, तो जैसे हमारा बॉडी उस भी ज्यादा ठंडा खाते है ज्यादा गर्म खाते है बॉडी प्रॉब्लम करता है ना, ऐसा ही इसका सेटिंग शेरशानी नहीं करना है। और जब भी आपको जरूरत नहीं पड़ता ऐसे सामने से ऐसे एकदम किताब से या खाता से ऐसे ढकना नहीं देना, क्योंकि अगर ढकना है तो सिर्फ फोकस को ढकना है, क्योंकि इधर से गर्म हवा निकलता है, गर्म हवा अगर नहीं निकल पाएगा ये ब्रास्ट हो जाएगा, आग भी जल सकता है, समझिए सीक्रेट को। अगर ढकना है फोकस को दूरी से कम 4 इंच दूरी पे ढकना है, इसका फोकस अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा अंदर जो प्लास्टिक का कंडेंसर लेंस है वो खराब हो जाएगा जल्दी, इसका सीक्रेट है। और इस आसपास ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ मोबाइल लाना ही नहीं है, कम से कम इसका 5-6 फीट दूरी के अंदर, समझ गए ना दोस्तों, इसका इतना सीक्रेट है। एक दिन में पूरा सीक्रेट ये भी नहीं रहता और वीडियो में बोलने का टाइम भी उतना आता नहीं है, लेकिन आपको अगर चलाना है मुझे फोन करके सुन लीजिएगा जिसका सीक्रेट क्या है, तो लॉन्ग लास्टिंग करना चाहिए, आपका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा मुझे सबसे खुशी होगा दोस्तों, तो तभी प्रोजेक्टर मॉल का नॉलेज काम आएगा, मैं ये आपका आशीर्वाद समझूंगा
प्लीज एक लाइक कमेंट्स करके मुझे थोड़ा उत्साहित कीजिएगा मेरा ये सीक्रेट को। और चलिए थोड़ा सा फुल HD पिक्चर चला के एक बार देख लेते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा बना है, साथ में रहिए। देखिए दोस्तों, जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी बन गया और कुछ चेंजिंग करने का जरूरत है ही नहीं, एकदम फुल HD बन गया। ठीक है ना, एक बार देखिए आपको मजा आएगा। मैं थोड़ा सा हाफ मिनट ये दिखा देता हूँ, ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा कॉपीराइट का। ठीक है ना, 4K एक पिक्चर है, मुझे बहुत ये गाना अच्छा लगता है, मैं बीच बीच में देखता हूँ और यही वीडियो आप लोगों को मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। पिक्चर क्वालिटी समझ में आता है तो पिक्चर से इसका इतना दमदार है, यहाँ पे जो ओरिजिनल में है इससे ज्यादा कलर में दिख रहा है। देखिए जब भी मैं एडिट करता हूँ इसका रेजुलेशन मैं 10,000 से जगह 5,000 कर देता हूँ, रेजुलेशन भी घटा कर देता हूँ, तब भी देखिए फुल HD पिक्चर है, एकदम जबरदस्त। ठीक है तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। एक बार वीडियो देखने के बाद गौर कीजिए, अगर आपका प्रोजेक्टर को सही में सर्विस करवाना चाहते हैं मेरे पास भेज दीजिए, झिझकना नहीं है। दोस्तों साथ में रहिए, अभी मैं वीडियो खत्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैंने फ्रेम टू फ्रेम दिखाया आज शॉर्ट में। तो दोस्तों अभी प्रोजेक्टर मैं शट डाउन कर दूंगा, शट डाउन करने का तरीका क्या है, पावर बटन को एक बार दबाया, वहां पे लिखा है अगेन पावर बटन को ऑफ करना, तो अगेन किया, अभी ये 30 सेकेंड में ऑफ होगा, ये जो मॉडल है 30 सेकेंड में ऑफ होता है, लेकिन गलती से भी ऑफ होते होते इसको बिजली फुल नहीं देना है, ये बात याद रखना है दोस्तों। ठीक है, पावर बटन सॉरी पावर प्लग ऑफ नहीं करना है 30 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड तो गिनते गिनते हो जाएगा इतना टाइम बिजली को पकड़ में, क्योंकि ये हवा अभी भी निकल रहा है, जब तक हवा गर्म हवा निकल देगा तब तक इसको ऑन रखना जरूरी है, कंप्यूटर जैसे ही शट डाउन होता है। और एक बात है, मैंने पहले भी बताया था ये ऑफ होने के बाद भी, देखिए बात करते करते 30 सेकेंड हो गया, अभी फिलहाल इसको ऑन नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी गर्मी का मौसम है, कम से कम आधा घंटा बाद इसको ऑन करेंगे तभी ऑन होगा, नहीं तो उससे पहले करेंगे ये रेड बटन मार देगा, इरोर मार देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन हीट है, हीट मशीन ऑन नहीं होगा। ये मॉडल में यही है माइनस पॉइंट, और NEC में भी सेम ऐसा ही एक माइनस पॉइंट है, लेकिन प्रोजेक्टर अगर आपको चलाना आता है तो लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ये भी 10 साल चलने वाला मॉडल है, समझिए मेरा बात को। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये नॉलेज आपका काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए और लंबा नहीं करेंगे, प्लीज मैं दोबारा मांग लेता हूँ मेरा तरफ से, प्लीज एक लाइक कमेंट करना मेरा ये मेहनत के लिए, और दोस्तों को शेयरिंग करके प्रोजेक्टर का नॉलेज हर को बांटना है, क्योंकि अगला 5 साल के अंदर प्रोजेक्टर घर घर में आने वाला है, मैं चाहता हूँ हर घर में सही प्रोडक्ट आए। DLP प्रोजेक्टर इज द बेस्ट, और उनमें से 4 मॉडल, नंबर 1 डेल, नंबर 2 BenQ, नंबर 3 शार्प, नंबर 4 NEC। ठीक है, लेकिन NEC शार्प डेल ये तीनों का प्रोडक्शन फिलहाल स्टॉप है, लेकिन मार्केट में सेकेंड हैंड भी मिलेगा, ले सकते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी नया प्रोजेक्टर है, मैं गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा, सर्विस मैं दूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा खुद का सेल्स एंड सर्विस है, तो डरिए नहीं, साथ में रहिए, और अगला बहुत सारा टॉपिक आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ना भूलिएगा, और प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ एक लाइक कमेंट्स प्लीज कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए टाटा, आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे, थैंक यू।